नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मैं दुर्गेश वाजपेयी आज आपको लेके चल रहा हूँ लखनऊ के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर, जो कि ये बक्सी तालाब की कठवारा ग्राम सभा में माता जी का मंदिर है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा, चंद्रिका देवी मंदिर। तो चलिए आज यात्रा शुरू करते हैं चंद्रिका देवी मंदिर की। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। एक रेलवे स्टेशन भी है जहां पर कि लखनऊ और सीतापुर से आने वाली कुछ पैसेंजर गाड़ियां रुकती हैं। क्योंकि छोटा स्टेशन है इसलिए सभी ट्रेन्स नहीं रुकती हैं, यहां पर कुछ छोटी पैसेंजर गाड़ियां वो रुकती हैं जिनसे भी लखनऊ से चलकर आया जा सकता है। लखनऊ कैसरबाग बस स्टेशन, चारबाग बस स्टेशन की तरफ से आने वाली तमाम रोडवेज की बसेस यहां तक आती हैं, जिनसे की भी आया जा सकता है। और यहां खड़ी करेंगे हम अपनी स्कूटी, उसके बाद पैदल चलकर दिखाते हैं आपको माता रानी का मंदिर। मित्रों, अभी हम पहुंचे हैं बक्सी तालाब मंदिर के प्रसिद्ध प्रसाद भंडार पर, जो कि है वाजपेयी प्रसाद भंडार के नाम से। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कैसे क्या प्रसाद चढ़ता है माता जी के दरबार में। भैया हमें बताएंगे माता जी के दरबार में क्या चढ़ता है? सूखा ड्राई फ्रूट चढ़ता है। यहाँ पे सूखा ड्राई फ्रूट चढ़ता है, फूल चढ़ते हैं, सिंदूर चढ़ता है, चूड़ियाँ चढ़ती हैं। बहुत अच्छा। तो कितने का क्या देते हैं? 21 का मिलेगा, 51 का मिलेगा, 101 का मिलेगा, 151 का मिलेगा, आपको जैसी इच्छा हो जैसी सुविधा। भक्त अपनी सुविधा के हिसाब से चढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक चीज ये बताएं कि आरती का समय क्या क्या है? आरती का समय सुबह 7 बजे है, सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे दो बार आरती होती है। और मंदिर खुलने का समय क्या है? मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है, दोपहर में 1 बजे तक खुला रहता है और 1 बजे से 2 बजे तक बीच में बंद रहता है, 1 घंटे का विराम रहता है। जी जी। और उसके बाद में 2 बजे से शाम को 10 बजे रात 10 बजे रात तक खुला रहता है। धन्यवाद। खुलने के टाइम शाम को बंद रहता है। अच्छा, आरती से साफ सफाई के लिए आरती से पहले कुछ देर के लिए मंदिर बंद होता है। धन्यवाद। रानी के दरबार में भक्त लाइन से दर्शन प्रसाद और पूजन कर रहे हैं। जय माता दी। एक भैया का भी चढ़ा दीजिए, चुन्नी चढ़ाएंगे। आप लोग
जय माता दी, जय माता। तो आप देख पा रहे होंगे हम इस माता रानी के दरबार के ठीक सामने खड़े हैं, अपने साथ साथ आप सभी के कल्याण की कामना के साथ। माता चंद्रिका देवी मंदिर प्रांगण में ही स्थित है भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीनतम। ये है माता के मंदिर का निकास द्वार, जहाँ से भक्त दर्शन के बाद बाहर निकलते हैं। आपने प्रवेश द्वार देखा, इसके बाद में ये है मुख्य निकास द्वार। आइए आपको दर्शन कराते हैं हवन कुंड के। 2400 घंटे सातों दिन ये हवन कुंड बराबर तप्त रहता है, चलता रहता है। और यदि आप अपने पास से हवन सामग्री लेकर के आते हैं, बहुत ही सुंदर है, नहीं भी लाते हैं अगर आप, तो यहाँ पर हवन सामग्री हर समय उपलब्ध रहती है, जिसे भक्त अपने हाथों से चढ़ा करके पुण्य फल प्राप्त करते हैं। लाइए गुरु जी। मित्रों, आपको बता दें कि ये माँ चंद्रिका देवी मंदिर गोमती तट पर स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, और वहीं गोमती से आए हुए जल से यहाँ पर एक मानव निर्मित कुंड की स्थापना की गई है, और उसी कुंड के मध्य में है भगवान भोलेनाथ की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ के। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं यही है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जो कि कुंड के मध्य में स्थित है। मंदिर के पिछले हिस्से पर बाबा भैरवनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां पर कि विशेष रूप से भक्त मंदिर में दर्शन करने के बाद में यहां दर्शन करना अनिवार्य समझते हैं, क्योंकि वैसे भी माना गया है कि माता के मंदिर के बाद, माता के दर्शनों के बाद भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है, इसीलिए सभी भक्त यहाँ पर आकर के भैरव जी का दर्शन करते हैं। जय हो भैरवनाथ की। तो मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि यह मंदिर कितना पुराना है। ऐसी मान्यता है कि अपने वनवास के कार्यकाल में, अपने वनवास काल में पांडव और द्रौपदी इस स्थान पर आए थे। यहीं पर पांडवों ने अपने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिसे यहाँ के तत्कालीन राजा हंस ध्वज द्वारा पकड़ा गया, और युधिष्ठिर की सेना ने काफी समय तक उनसे युद्ध किया। उसके पश्चात उनका वो यज्ञ पूर्ण हुआ। आपको बताते चलें कि ये मान्यता के अनुसार 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना मंदिर है। यहाँ पर नवरात्रि में विशेष रूप से दर्शन, बड़ी मात्रा में भक्त आते हैं दर्शन लाभ के लिए, और प्रत्येक माह की अमावस्या को भी यहाँ पर विशेष रूप से मेला लगता है, और अधिक से अधिक लोग आते हैं, उनकी संख्या लाखों में भी हो सकती है। तो मित्रों, आपको एक चीज़ और बता दें कि जो लोग बोटिंग के शौकीन हैं, जो लोग बोटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ चंद्रिका देवी मंदिर में ये नीरज भैया हैं हमारे पीछे, इनके द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये बोटिंग कराते हैं गोमती रिवर में, गोमती नदी में। ये गोमती नदी में हम बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे नीरज भैया हैं, जो कि हमारे खेवनहार हैं। आज ये अपनी बोट हमारे साथ गोमती में तैरा रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी बोटिंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और बहुत ही आंशिक शुल्क पर ये बोटिंग कराते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं इनके। और अभी हम नीरज भैया से ही पूछेंगे कि ये कितने पैसे में यहाँ पर बोटिंग कराते हैं। नीरज भैया, आप यहाँ सभी को बोटिंग का आनंद दिलाते हैं, तो नीरज भैया आप कितना चार्ज लेते हैं यहाँ से बोटिंग कराने का? कोई 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई निर्धारित शुल्क नहीं है, जो खुशी से दे दे आप उसमें खुश हो जाते हैं। बहुत सुंदर। तो इनका कहना है कि जो अपनी खुशी से लोग दे देते हैं, हम उसी में खुश हो जाते हैं, कोई ऐसा निर्धारित शुल्क नहीं है। बहुत ही खुशमिजाज किस्म के इंसान है ये। चारों तरफ बहुत ही सुंदर गोमती मैया का नजारा है। माता गोमती के आंचल में आप आए, बोटिंग कीजिए, आनंद लीजिए, और पौराणिक महत्व तो माता चंद्रिका देवी मंदिर का है ही, उसके साथ साथ आप यहाँ पर एक तरह से क्या कहते हैं, पिकनिक भी मना सकते हैं। आप यहाँ पर पूरा आनंद ले सकते हैं, छुट्टियों का, वीकेंड का। आप आए और यहाँ पर आपको
खास तौर पर शाम का समय और सुबह का समय, अभी तो इस समय चूंकि धूप हो गई है तो धूप तेज है और आप देख सकते होंगे चेहरे पर पसीना आ रहा है, लेकिन सुबह का समय और शाम का समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है यहाँ का। तो आपने अभी देखा हम लोगों ने बोटिंग का आनंद लिया और अब हम यहाँ से चल रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि यहाँ से मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और चल के दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ हैं गौरव वाजपेयी। गौरव वाजपेयी इस टीम के मेन लीडर हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कैमरे के पीछे का सारा क्रिएशन इन्हीं का होता है। तो गौरव वाजपेयी हेलो कीजिए और अब चलते हैं हनुमानगढ़ी के लिए। पहुंच चुके हैं बक्सी तालाब में हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि चंद्रिका देवी मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। चलते हैं अंदर और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हनुमान मंदिर, जिसे हम हनुमानगढ़ी के नाम से जानते हैं, और ये यही चंद्रिका देवी मंदिर प्रांगण में स्थित है। आप जब भी चंद्रिका देवी मंदिर आए तो यहाँ दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों आपने देखा कि आज चंद्रिका देवी मंदिर दर्शन और हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद में चलते हैं घर के लिए, और बहुत अच्छे दर्शन रहे, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छे लगे होंगे। और जब कभी भी आपको लखनऊ आए या आप लखनऊ रहते हैं तो इस मंदिर में आकर के दर्शन जरूर करें, बहुत ही आनंद आता है। तो चलते हैं घर के लिए। उम्मीद है आज की यात्रा आपको पसंद आई होगी, अच्छे से आपने मंदिर के दर्शन किए होंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज 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 लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं कि आज की यात्रा कैसी लगी। और चूंकि हमारा ये पहला ब्लॉग है, हो सकता है बहुत सारी गलतियां हमने की होंगी, तो हमने कहां कहां क्या क्या गलती की, इस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार। I should fuck up.